Hi there, I am Dr. Arvind Kumar and today I will be discussing hemoglobin abnormalities and how it will impact our body. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या मॉलिक्यूल है. हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है. और उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि जो लंग्स से ऑक्सीजन है उसको वो सेल्स पे डिलीवर कराता है. कौन से सेल्स? जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनीज, हमारी मसल्स, इन सबको ऑक्सीजन चाहिए. और उसके लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लंग से लेके प्रोवाइड कराएगा इन टिश्यूज़ को, इन सेल्स को. अब आते हैं कि हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो सकती है. हीमोग्लोबिन ज़्यादातर एबनॉर्मेलिटी आती है लो हीमोग्लोबिन, जिसे आपने सुना होगा एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी. और दूसरी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है हीमोग्लोबिन का हाई होना. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लो हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं. आप में से नोटिस किया होगा एज अ पेरेंट कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, आपके बच्चे को बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, बड़ी जल्दी वो फील करता है कि उसे ब्रेथलेसनेस हो रही है, अपने साथ वाले कुलीग्स के साथ वो साइकिल पे आगे निकल जाते हैं, वो पीछे रह जाता है, अगर ये चीज़ आपने नोटिस करी है तो आप अपने बच्चे का हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराइए. जल्दी थकावट होना एक प्राइम सिम्टम है लो हीमोग्लोबिन होने का. ऑफकोर्स मेमोरी लॉस होना, एक चेस्ट पेन होना, ये भी लो हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकते हैं. अडल्ट्स में और एल्डरली लोगों में ये भी देखा गया है लो हीमोग्लोबिन हार्ट अटैक का भी रीज़न होता है. ये चीज़ शायद आपको पहले ना पता हो, लेकिन ध्यान रखिए हार्ट अटैक का एक प्राइमरी कॉज लो हीमोग्लोबिन भी हो सकता है. तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड विजिट अ डॉक्टर. डॉक्टर हमें चेकअप करेगा और इसमें मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है. वो देखेंगे कि लो हीमोग्लोबिन के साइंस तो नहीं आ रहे हैं, कोई स्प्लीन तो नहीं बढ़ी हुई है, यानी मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आपको टेस्ट एडवाइस किए जाएंगे और टेस्ट में हीमोग्लोबिन अगर लो आता है तो उसके कारणों को ढूंढा जाता है. क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं लो हीमोग्लोबिन का, हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं. अब कारण क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हैं लो हीमोग्लोबिन के? तो अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में सबसे मेन कारण होता है न्यूट्रिशनल. न्यूट्रिशनल यानी कि वो आयरन रिच फूड नहीं लेते, और जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, अनार हो गया, बीट रूट हो गई, ये आयरन रिच फूड्स हैं. तो इनकी डेफिशिएंसी से लो हीमोग्लोबिन हो सकता है. ऑफकोर्स पेट में अगर कीड़े हों तो कीड़े सारा आयरन कंज्यूम कर लेते हैं और ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. और कारण हो सकते हैं इन्फेक्शन, बॉडी में कोई लंबा इन्फेक्शन चल रहा है या कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशन. लो हीमोग्लोबिन किडनी डिजीज़ का भी एक रीज़न हो सकता है. किडनी डिजीज़ की वजह से लो हीमोग्लोबिन आ सकता है. ऑफ कोर्स कुछ विटामिन डेफिशिएंसी भी लो हीमोग्लोबिन कर सकती हैं, जैसे B12 डेफिशिएंसी या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी. एंड ऑफ कोर्स रेयरली कैंसर्स, कुछ कैंसर्स में हीमोग्लोबिन लो हो सकता है. लेकिन मेन कारण जो है न्यूट्रिशनल हो सकते हैं और वर्म इन्फेस्टेशन हो सकते हैं. अब अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हमें डायग्नोस करने हैं तो इनके लिए क्या किया जाए? इनके लिए हमें डिटेल्ड हिस्ट्री पूछनी होती है पेशेंट से कि उसकी डाइट कैसी है, उसको कोई पेट के सिम्टम्स तो नहीं है, कोई पेट दर्द तो नहीं हो रहा है उसको, या उसकी स्प्लीन तो नहीं बढ़ी हुई है. वो सब चेकअप करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें और फर्दर टेस्ट एडवाइस करने होते हैं. जैसे कि हम आयरन कितना है बॉडी में वो चेक कराते हैं, हम B12 लेवल्स कितने हैं, फोलिक एसिड लेवल्स कितने हैं वो चेक कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक कराते हैं, ताकि एग्जैक्ट कारण तो पता चल सके कि लो हीमोग्लोबिन हुआ क्यों है. और अगर ये कारण हमें पता चलते हैं तो इनका हम एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करते हैं. जैसे अगर आयरन की कमी आई है तो आयरन टेबलेट हेल्पफुल होंगी, और अगर B12 की कमी आई है तो B12 हमें देना पड़ेगा. अब नॉर्मल रेंज क्या है हीमोग्लोबिन की? तो नॉर्मल रेंज अलग अलग देशों में वेरी करती है. इंडिया में हम मेल्स के लिए हीमोग्लोबिन की रेंज 13.5 से 17 या 17.5 तक ले लेते हैं, और फीमेल्स के लिए 12.5 से लेके 15.5 तक एक नॉर्मल रेंज ले लेते हैं. अब आते हैं
रेयर कंडीशन हीमोग्लोबिन हाई होना। कई बार देखा होगा कि रूटीन चेकअप हुआ उसमें हीमोग्लोबिन हाई है, तो पेशेंट पूछते हैं कि ये हीमोग्लोबिन हाई क्यों है। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, जो कि डिहाइड्रेशन से हो सकती है, पानी कम पी रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है हीमोग्लोबिन हाई, और कुछ और रेयर कंडीशंस हैं उनको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। और कभी भी अगर आपको फटीग, मेमोरी लॉस, थकावट जल्दी होना वाले सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, ताकि आपके लिए एप्रोप्रिएट टेस्ट एडवाइस किए जा सके। थैंक यू।